ज्ञानवापी विवाद में आज से नए कोर्ट में लड़ाई है, लेकिन अदालत के बाहर ना दावे खत्म हो रहे हैं ना दलीलें कम पड़ रही हैं। नया और चौंकाने वाला दावा काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत का है। उनका यह दावा है कि ज्ञानवापी में तहखाने के नीचे खजाना है और काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत खजाने की खोज के लिए अर्जी लगाने जा रहे हैं। उन्होंने ही कल वजूखाने के भूतल पर एक और शिवलिंग होने की बात भी कही थी। एक तरफ तो ऐश्वर्य मंडप है पूरब में, वहाँ पे अपार धन दौलत है उसके नीचे। कहाँ तो विवाद मंदिर मस्जिद का था, शिवलिंग फव्वारा का था, ज्ञानवापी में पूजा पाठ का था, लेकिन अब लड़ाई खजाने तक आ गई। नया दावा ज्ञानवापी में खजाने को लेकर है। ये दावा कोई और नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कर रहे हैं। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने दावा किया है कि ज्ञानवापी के तहखाने में खजाना दबा है। एक तरफ तो ऐश्वर्य मंडप है पूरब में, वहाँ पे अपार धन दौलत है उसके नीचे। ऐश्वर्य मंडप जहाँ भगवान रहते हैं बिना धन दौलत के नहीं रहते। एक तरफ तो ऐश्वर्य मंडप है पूरब में, वहाँ पे अपार धन दौलत है उसके नीचे। ऐश्वर्य मंडप जहाँ भगवान रहते हैं बिना धन दौलत के नहीं रहते। दावे का आधार धर्म ग्रंथ है। काशी विश्वनाथ के महंत निर्णय सिंधु का हवाला ये है। स्कंद पुराण के पन्ने खंगालते हैं, कई धर्म ग्रंथों की बात करते हैं। उनके मुताबिक ज्ञानवापी के पूर्वी हिस्से में ऐश्वर्य मंडप दबा है, जिसे तहखाना बताया जा रहा है, उसी के नीचे खजाना है। यजुर्वेद और अथर्वेद, शिव पुराण के जितने भी खंड है वो स्कंद पुराण, निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है विश्वनाथ मंदिर के बारे में कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, उसमें किस तरह की लिंग है, वहाँ पे शिवलिंग है, एक शिवलिंग नहीं कई शिवलिंग है, वहाँ चार मंडप है जिसको तहखाना करते हैं। एक तरफ तो ऐश्वर्य मंडप है पूरब में, मस्जिद की पूरब में ऐश्वर्य मंडप जी, वहाँ पे अपार धन दौलत है उसके नीचे। सनातनी हूँ। आप कह रहे हैं कि पूरब में जो मंडप है जिसको वो लोग तहखाना कहते हैं उसमें अपार धन दौलत है। ऐश्वर्य मंडप जहाँ भगवान रहते हैं बिना धन दौलत के नहीं रहते। खजाने का दावा करने वाले काशी विश्वनाथ के महंत ने एक दिन पहले ही एक और शिवलिंग का दावा किया। उन्होंने उसी जगह पर शिवलिंग होने की बात की जहाँ वजूखाना है। पहले ही यहाँ शिवलिंग और फव्वारा को लेकर विवाद है। अब वो वजूखाने के भूतल में शिवलिंग के दावे के साथ अर्जी लगाने जा रहे हैं। आज हमारी याचिका यह है कि चूंकि मैंने बहुत पहले कहा था कि देखिए साहब, नंदी भगवान बहुत देर से निहार रहे हैं, सनमार्ग बाद जो उत्तर की तरफ जो दक्षिण की तरफ दीवार खड़ी की गई है, वो दीवार जो है सुरक्षा की और उसको रेलिंग से घेर दिया गया है, उसको खोला जाए। उस बाबा, चूंकि बाबा बिना स्नान ध्यान राग भोग सेवा पूजा के हैं, अतः उसकी सेवा का मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए। जो धर्म का काम है, हमारे सनातन धर्म में है, हमारे सभी पुराणों में लिखा है, उनको रोकने का अधिकार नहीं है, और क्योंकि न्यायालय हमें अनुमति दे। दावे वाले शिवलिंग पार्ट टू भी नंदी की मूर्ति के सामने ही है। माना जाता है कि नंदी अकेले नहीं होते, उनके मुख के सामने शिव जरूर होते हैं। नए दावे का आधार भी है, दलील भी ऐसी है। वाराणसी से चित्रा त्रिपाठी, कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।